हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ अर्थ फील्ड एट अ प्लेस आर गिवन. तो हॉरिजॉन्टल भी गिवन है और वर्टिकल भी गिवन है. फाइंड एंगल ऑफ डिप. एंगल ऑफ डिप क्या होता है? टैन डेल्टा इज वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल. तो टैन इनवर्स में छोड़ सकते हैं, ये वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. रिजल्टेंट इंटेंसिटी नेट बी बताएं क्या होगा. नेट बी क्या होगा? अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर और वर्टिकल का स्क्वायर का अंडर रूट. आंसर तो ठीक है यहां तक. नेक्स्ट, डेक्लिनेशन एट अ प्लेस इज 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. एक बार पढ़ें इस क्वेश्चन को प्लीज. Declination at a place is 15 degree west of north. ये ध्यान से देखना, ये geographic west है. देखो magnetic के चक्कर में नहीं पड़ना, geographic west. और ये geographic north. West of north 15 degree लिखा जाता है, 15 degree with north. North के साथ angle बनेगा. West of north का मतलब west से चलते हुए north के साथ angle. तो north के साथ angle क्या बना? 15 degree. ठीक है यहाँ तक. तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ कैसे बनाना समझ में आ रहा है, 15 डिग्री नॉर्थ के साथ बनेगा. अब वो कह रहे हैं बताओ एक शिप है वो कहाँ जाए, ताकि उसको कहाँ जाना है, ईस्ट में जाना है. अब ये जो डायरेक्शन गिवन है ये किसकी गिवन है? शिप की गिवन है कि शिप कहाँ जा रही है. और शिप अपनी डायरेक्शन कैसे देखती है? मैग्नेटिक नीडल से. बताइए आपको ये सब प्लेन्स, ये सब शिप मैग्नेटिक मीडियम ये सब यूज़ करते ही हैं. तो मैग्नेटिक नीडल से देख रही हैं कि शिप यहाँ जा रही है, मैग्नेटिक ये नीडल यहाँ से आ रही है, उसको कहाँ जाना है? यहाँ पे जाना है, ईस्ट में जाना है. तो मुझे एक चीज़ पता है, अगर उसको ईस्ट में जाना है तो ये एंगल कितना है? 15. अगला एंगल कितना है? 90. 15 और 90 मिला के क्या हुआ? 105. तो उसको कहाँ मुड़ना पड़ेगा? 105 एंगल पर राइट मुड़ना पड़ेगा ताकि वो ईस्ट में चला जाए. क्लियर है यहाँ तक? ठीक. तो पहले ये एंगल ड्रॉ करें. ये जो एंगल गिवन होते हैं वो मैग्नेटिक नीडल के गिवन होते हैं. फिर वो कहेगा ऐसे जा रही है शिप, जाना उसको यहाँ पर है. फिर आप देख लें कैसे मूव करेगी. जैसे अगला क्वेश्चन पढ़ लेंगे, देखो यहाँ लगाएं. देखो अ शिप इज टू रीच अ प्लेस 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. तो ये साउथ कहां पर मिलेगा आपको? नीचे. वेस्ट कहां पर है? ये रहा. तो एंगल किसके साथ है? वेस्ट के साथ. तो वेस्ट के साथ 10 डिग्री. क्लियर है? साउथ ऑफ वेस्ट 10 डिग्री. तो मैग्नेटिक नीडल यानी कि यहां पर शिप यहां जा रही है. कहां जाना है उसे? 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. वेस्ट कहां पर है? ये रहा. नॉर्थ कहां पर है? ये रहा. 18 डिग्री कहां बनेगा? नॉर्थ के साथ. तो उसको यहां जाना है, यहाँ जा रही है, यहाँ जाना है. तो 10 डिग्री तो ये एंगल हो गया मुड़ने का, और 90 माइनस 18 ये हो गया. तो कितना मुड़ेगा? 10 प्लस 90 माइनस 18, 82 डिग्री राइट मुड़ेगा तो शिप अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच जाएगा. फिगर नहीं गिवन होगा, फिगर तो बनाना पड़ेगा.
फिगर ही गिवन होगा फिर तो आप निकाल ही लोगे ज्योमेट्री से, फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आता नहीं ऐसा प्रॉब्लम, पर एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, आती नहीं है, एनसीईआरटी यहीं से शुरू करती है अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड, वैसे उसमें कॉम्पिटिशन के अंदर ना उस पर आता है टैन डेल्टा एपरेंट डिप, इनके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर इज गिवन, इक्वेटर के ऊपर, ये इक्वेटर है, कोई भी पॉइंट लो इक्वेटर के ऊपर, यहाँ बी गिवन है 3.1 × 10⁻¹⁵, टेकिंग रेडियस इक्वल टू 6400 किलोमीटर, क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम निकालना है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई पॉइंट इक्वेटर के यहाँ पे लेता हूँ तो इस मैग्नेट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट होगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बी इक्वेटोरियल। तो लगा दो फॉर्मूला बी इक्वेटोरियल का, तो बी इक्वेटोरियल के फॉर्मूले में आर को पुट कर लेना, रेडियस ऑफ अर्थ, बी इक्वेटोरियल क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, एम कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है, यहाँ तक एम की वैल्यू आ जाएगी। फेमस क्वेश्चन है, इफ डेल्टा वन डेल्टा टू एंगल ऑफ डिप्स हैं ऑब्जर्व्ड इन टू वर्टिकल प्लेन्स राइट एंगल टू ईच अदर एंड डेल्टा ट्रू एंगल ऑफ डिप, आपको कुछ प्रूव करना है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ें एक बार, सोचें, इमेजिन करें क्या डायग्राम बनेगा इसका। प्रॉब्लम ये थोड़ा है कि क्वेश्चन मुश्किल है, इस चैप्टर की प्रॉब्लम तो इमेजिनेशन है। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि बोल क्या रहा है वो, जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया उसमें फॉर्मूले में कुछ है ही नहीं। इसकी प्रॉब्लम यही है कि आप, और समझ कैसे आएगा, जब तक 5-7 क्वेश्चन सॉल्व करोगे किताब में तभी समझ में आएगा, ये तो आ जाएंगे समझ, लेकिन नए क्वेश्चन में ट्राई करना पड़ेगा। देखो इसमें कुछ नहीं है, वो कह रहा है कि मान लो मेरे पास इसमें 3 मेरिडियंस हैं, एक तो असली है ट्रू है जिसमें एंगल ऑफ डेल्टा है, और 2 एपरेंट हैं जिसमें एंगल ऑफ डिप डेल्टा 1 है और डेल्टा 2 है। जो 2 एपरेंट हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप ऐसे इमेजिन करें कि मान लें ये आपका एक, ये आपका एक प्लेन है, मैं प्लेन ही बना रहा बस ऊपर का साइड दिखा रहा हूँ। मान लें एक प्लेन है, ये एपरेंट एंगल ऑफ, ये एपरेंट मेरिडियन है पहला, ये दूसरा एपरेंट मेरिडियन है, मान लें नीचे प्लेन है, ये दूसरा मेरिडियन है एपरेंट, और एक्चुअल इनके बीच में है, एक्चुअल मेरिडियन इनके बीच में है। तो अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ तो एंगल ऑफ डिप क्या आता है इसमें, डेल्टा 1, इसमें क्या आता है डेल्टा 2, इसमें क्या आता है डेल्टा, और ये आपस में 90 डिग्री पे हैं। तो एक बात बताओ, अगर ये और ये थीटा पे हैं तो ये और ये किस में हो जाएंगे, 90 − θ, क्योंकि टोटल एंगल 90 है, क्लियर है। तो यही डायग्राम बनाया मैंने, ये पहला एपरेंट है, ये दूसरा एपरेंट है, और ये ट्रू है। तो इसके अंदर ये जो पहला एपरेंट है ये वाला वर्टिक, या जो दूसरा एपरेंट है या ट्रू है कोई भी है, वर्टिकल कंपोनेंट तो हमेशा सेम ही रहेगा, बता ही दिया था वो तो मैंने। जो मेरा मेरिडियन है ट्रू मेरिडियन है उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, BH है। मेरे ट्रू मेरिडियन ने एपरेंट के साथ एंगल क्या बनाया, थीटा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, BH cos θ, है ना, कॉम्पोनेंट आ गया BH cos θ, और इसका एक कॉम्पोनेंट पीछे वाले मेरिडियन पे क्या होगा, BH cos 90 − θ। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो जो पहला मेरिडियन है, पहले मेरिडियन में tan डेल्टा 1 क्या है, B(V) वर्टिकल कॉम्पोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कितना, BH cos θ। जो बीच वाला मेरिडियन ट्रू मेरिडियन है, ट्रू मेरिडियन में tan डेल्टा इज BV/BH, ये भी क्लियर है, ट्रू है, तो एपरेंट क्लियर है, एपरेंट में tan डेल्टा 1 को उल्टा कर दो तो cot डेल्टा 1 आ गया। फिर जो दूसरा एपरेंट है पीछे वाला, tan डेल्टा 2 एंगल ऑफ डिप है,
वर्टिकल कॉम्पोनेंट सेम है, हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा, बी एच इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बनेगा, साइन, राइट। इसका रेसिप्रोकल लेंगे, कॉट डेल्टा 2 आ गया, कॉट डेल्टा 1 आ गया, कॉट डेल्टा 2 आ गया, इनको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो, स्क्वेयरिंग एडिंग करके ये टर्म आ गई, इस टर्म में से कॉमन आ जाएगा बी एच स्क्वायर बी वी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या बन गया, 1। ऊपर मैं प्रूव कर चुका हूँ बी वी बाई बी एच टैन डेल्टा है, तो बी एच बाई बी वी क्या बनेगा, कॉट डेल्टा, ये देखो बी एच बाई बी वी स्क्वायर क्या बनेगा, कॉट ऑफ डेल्टा का स्क्वायर, हो गया प्रूफ। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आपको बुक्स में, इसका फॉर्मूला याद कर देना चाहिए, कॉट ऑफ स्क्वायर डेल्टा इज कॉट डेल्टा 1 का स्क्वायर प्लस कॉट डेल्टा 2 का स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। इसी बेस पे न्यूमेरिकल कैसा आता है, इसी बेस पे न्यूमेरिकल है, डिप सर्कल जो मेजर करता है एंगल ऑफ डिप शोज एन एपरेंट डिप ऑफ 60 डिग्री, एपरेंट डिप का मतलब डेल्टा 1 60 एट अ प्लेस वेयर ट्रू डिप इज 45, डेल्टा कितना है 45, इफ डिप सर्कल इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, डिप सर्कल को घुमा दिया 90 डिग्री तो एक नया मेरिडियन आ गया, तो वो कह रहे हैं कि उसके अंदर एंगल ऑफ डिप क्या बनेगा, यानी कि दो, एक ट्रू मेरिडियन है एक एपरेंट है, डिप सर्कल को 90 घुमा दिया यानी कि एक और एपरेंट आ गया जिसमें एंगल ऑफ डिप निकालना है, तो दो एपरेंट के बीच में फिर से एंगल कितना है 90, तो पुराना क्वेश्चन ही है ये, तो पुराने क्वेश्चन में डेल्टा 1 आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, एपरेंट ट्रू पता है और एंगल ऑफ डिप निकालना है तीसरे के अंदर, तो ये फॉर्मूला यूज कर लें और आपको डेल्टा पता है, डेल्टा 1 पता है, डेल्टा 2 कैन बी कैलकुलेटेड आंसर, मतलब उसी फॉर्मूले की एप्लीकेशन कैसे आ सकती है ये बताया गया है, ठीक है यहाँ तक।